महिलाओं में उद्यमिता की योग्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से दौसा में दिवाली कार्निवल का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने अपने उत्पादों को प्रस्तुत किया। इस कार्निवल के आयोजक शर्मिला अटोलिया ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू महिलाओं में स्वरोजगार की भावना को जागृत करना है। वहीं कार्निवल में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पैशन है क्रिएटिव पूरा क्रिएटिव तरीके से सारी चीज़ें करने का, हर चीज़ को क्रिएटिव क्रिएशन के रूप में लेकर आना, कोई नई चीज़ को नई तरीके से लेकर आना। तो ये चीज़ सब मैं ना ये मेरे पूरे मेरे हाथों से बने हुए हैंडमेड आइटम्स है, ये सारे टोटल दिवाली डेकोर आइटम्स है। मैं राखी का भी काम करती हूँ, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर हर तरह के डेकोर आइटम्स है, रंगोली है, दिया है, सब कुछ है यहाँ पर। आज हमने इनरविल क्लब ने कार्निवल लगाया है यहाँ पे महिलाओं के लिए कि सारी महिलाओं को देखे प्रोत्साहित हो कि महिलाएं कितना काम कर सकती हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी महिलाओं की हैं। तो मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ दौसा में। तो मैंने मेकअप के सामान की शॉप लगाई है और मेरे को 3 साल हो गए काम करते हुए। वैसे मैं 4 साल हो गए मेरे को सीखते हुए, मैं इंदौर से सीख के आई थी, इसका कोर्स करके आई थी इंदौर से। ये इनरविल क्लब एक महिलाओं का क्लब है और स्त्री सशक्तिकरण पे पूरा काम करता है। इसका जो उद्देश्य है कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने और जो घर से बाहर निकल के जो घर से बैठ के काम कर रही है बाहर निकल के काम करें। हमने सभी वैरायटी की कोशिश की है कि सभी तरह के स्टॉल्स यहाँ पे लगे, जैसे कि दिवाली कार्निवल की सजावट की चीज़ें हैं, अब आप पास में नए कपड़े खरीदने होते हैं दिवाली के, चप्पल जूते खरीदने होते हैं, मेकअप का सामान खरीदना होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं।